मम्मी जी तो सुबह सुबह उठ के सब कुछ धो के रखे थे, लेकिन ये सब देना आज नहीं होगा। तो इसी तरह से हर रोज सुबह इस तरह से हमको हमारा दिन का शुरुआत करना पड़ता है, लेकिन आज ये सब नहीं करेंगे क्योंकि आज हम अपने बर्ड को डीवॉर्मिंग का मेडिसिन देने वाले हैं। और यहाँ पर मम्मी जी भी आ गए बेबी को लेके यहाँ पर छोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे, लेकिन बेबी यहाँ पर आने के लिए थोड़ा उतावला हो रहा था। बहुत खुश होता है यहाँ पर आके, बहुत खुश हो गया है। और एक वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्ड को डीवॉर्मिंग किस तरह से करवाया जाए, क्या प्रोसेस है, क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं पूरा आप लोगों को दिखाने वाला हूँ किस तरह से मैं मेरे बर्ड को डीवॉर्मिंग मैं करवाता हूँ। डीवॉर्मिंग के लिए मैं यूज करता हूँ वार्म आउट जेल, ये बेटा फार्म का प्रोडक्ट है। इस तरह एक बॉटल में दिया जाता है और इसमें रहता है 50 ml। इसका प्राइस मैंने ऑफलाइन से लिया है, मुझे पड़ा 1400 रुपये। इस बॉटल के पीछे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कितना ml यूज़ करना है, कितने ml पानी में, सब कुछ इस बॉटल के पीछे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। मैं समझता हूँ ये सेफ है बर्ड के लिए। बहुत सारा तो डीवॉर्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है मेडिसिन, ह्यूमन मेडिसिन, लेकिन ये स्पेशली फॉर बर्ड है। कंटिन्यू इसे 2 दिन यूज़ करना पड़ेगा और इसमें लिखा है जैसा 160 ml में 2 ml, यानी इस तरह अगर आप प्रेस करेंगे तो इसमें से 1 ml ही निकलेगा। तो 160 ml में 2 ml, 80 ml में 1 ml। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर का एक बॉटल, इसमें 900 ml लगभग पानी है। उस हिसाब से इस वार्म आउट जेल लगभग 11 या 12 ड्रॉप यूज करना पड़ेगा। आप जिस तरह से आपके पास जितना बर्ड है आप उसी हिसाब से आप यूज कीजिए। फुल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। आप एक चीज ध्यान में रखें, कोई भी हैंड फीडिंग बर्ड को ये ना दे। अगर आपका बर्ड फुल सेल्फ हो गया है तभी आप उसको डीवॉर्मिंग करवाए। और एक खास बात इसमें यही है कि इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है अगर आपका बर्ड बीमार है या किसी भी तरह से वो पानी नहीं खाना चाह रहा है तो आप इसको क्रॉप नेडल से आप उसको इंजेक्ट करके आप दे सकते हैं। ये मेडिसिन इस तरह ऑरेंज कलर का है और इस बॉटल को बहुत ही अच्छी तरह से शेक करके मेडिसिन को पानी में मिला लेना होगा। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छी तरह से बॉटल में मेडिसिन को पानी के साथ शेक करके मिला लिया है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों के पास सिंगल बर्ड है, ज्यादातर ये सब मेडिसिन यूज किया जाता है कॉलोनी में या जहां पर बहुत सारा बर्ड है उनको देने के लिए, एक्जोटिक बर्ड को देने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन काफी दफा हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के पास सिंगल बर्ड है, लाइक एज इंडियन पैरोट या ग्रे पैरोट, सिंगल बर्ड, तो उसके लिए कितना सा यूज करें। यहाँ पर जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 160 ml पानी में आप 2 ड्रॉप दें। तो इस तरह कटोरी में आप पानी ले लीजिए, लगभग पूरा मत भरिए, लगभग थोड़ा सा कम करके आप 160 ml हिसाब करके, या आप किसी भी सीलिंग से आप माप के भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह कटोरी में आप पानी दीजिए और उसमें आप 2 ml दीजिए, यानी 2 टैप। 2 टैप करने से 2 ml निकलेगा। अगर बहुत छोटा बर्ड है, आप 100 ml के हिसाब से आप पानी दे रहे हैं, तो उसमें 1 टैप यानी 1 ml। डीवॉर्मिंग प्रोसेस करने के लिए, मेडिसिन देने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक एक करके मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आप बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और फॉलो करें। डीवॉर्मिंग करवाने के लिए मैं यूज करता हूँ वार्म आउट जेल, वो स्पेशली फॉर बर्ड के लिए है। काफी सारा वीडियो अगर आप देखेंगे यूट्यूब या गूगल पर, आपको बहुत सारा ह्यूमन मेडिसिन का भी आपको देखने के मिलेगा, लेकिन मैं
मैं समझता हूँ कि डिवर्मिंग करवाने के लिए बर्ड के लिए वर्म आउट जेल जो वेटाफर्म का है वो ही बहुत ही अच्छा है और सेफ भी है। अगर आपके पास एक हैंड फीडिंग बर्ड है या वो फुल सेल्फ फीडिंग पर नहीं आया है, खुद से नहीं खाना खाता है या पानी नहीं पीता है, तो आप मत करवाइए, कुछ दिन और वेट कीजिए। जब तक ना वो फुल सेल्फ पे आ जाए तब तक आप डिवर्मिंग मत कीजिए, जब वो सेल्फ फीडिंग पर आ जाए तभी आप कीजिए। डिवर्मिंग का जो मेडिसिन है वो लाइक एज ए पॉइजन, तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास छोटा बर्ड है तो आप उसको डिवर्मिंग मत करवाइए। बर्ड का एज जब तक ना 5 या 6 महीना हो जाए, जब तक वो फुल सेल्फ फीडिंग पर ना आ जाए तब तक आप मत कीजिए। जैसे कि हमारे पास है ये छोटा सा कॉकटेल और बेबी, यानी बेबो का जो पेयर, वो अभी भी फुल सेल्फ फीडिंग पर नहीं आया है, उसके लिए मैं दोनों को छोड़ के बाकी सब बर्ड को मैं डिवर्मिंग करवाऊंगा। डिवर्मिंग थोड़ा सा ठंड के मौसम में किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ लगभग लास्ट कुछ ही दिन से बारिश हो रहा है, अभी हम इन सब बर्ड को डिवर्मिंग का मेडिसिन देंगे। डिवर्मिंग करवाने के लिए जो चीज़ों का ख्याल सबसे ज़्यादा रखा जाता है, एक है ठंडा मौसम। डिवर्मिंग का जो प्रोसेस है ये हर 3 महीने या 4 महीने में करवाया जाता है बड़े बर्ड के लिए। और एक चीज़ जो आपको खास करके ध्यान देना है, डिवर्मिंग प्रोसेस रनिंग जब आप कर रहे हैं तब बर्ड को किसी भी तरह आप फ्रूट्स या सॉफ्ट फूड आप ना दें, ओनली बर्ड को सीड्स प्रोवाइड करें। चलते हैं अब उसका प्रोसेस किस तरह से करना चाहिए। अगर आप अपने बर्ड का डिवर्मिंग करवाना चाहते हैं तो आप रात को खाना और पानी जो आप दे रहे हैं उसको आप निकाल कर रखें, बर्ड को थोड़ा सा आप प्यासा रखें। डिवर्मिंग करवाने से पहले आप 5 दिन नॉर्मल फूड जिस तरह से आप दे रहे हैं उसी तरह का दें, और जो लीवर टॉनिक है वो पानी में मिला के आप प्रोवाइड करें। 100 ml पानी में आप 5 ड्रॉप बर्ड के एज के हिसाब से साइज के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ। 100 ml पानी में आप 5 ड्रॉप आप लीफ 52 या किसी भी तरह का आप लीवर टॉनिक मिला के कंटिन्यू 5 दिन दें, और डिवर्मिंग जो है वो 2 दिन और उसके बाद आप जो लीवर टॉनिक है उसको आप कंटिन्यू 3 दिन आप प्रोवाइड करें। खाली डिवर्मिंग रनिंग जो 2 दिन है उस 2 दिन आप कभी भी आप बर्ड को सॉफ्ट फूड ना दे, किसी भी तरह का फ्रूट्स आप ना दे, ओनली आप सीड्स प्रोवाइड करें। डिवर्मिंग के टाइम आप बर्ड को सॉफ्ट फूड ना दे, ओनली सीड्स दे। इसका कारण यही है, सीड्स देने का कारण यही है, अगर आप फ्रूट्स देंगे तो फ्रूट्स में थोड़ा बहुत पानी रहेगा, बर्ड पानी उतना ज़्यादा नहीं पिएगा, यानी मेडिसिन नहीं पिएगा, इसलिए बर्ड को ओनली जो 2 दिन आप डिवर्मिंग करवा रहे हैं उसी 2 दिन आप खाली सीड्स दे, बर्ड प्यासा होगा तभी बर्ड मेडिसिन खाएगा। जैसे कल रात से ही मैं सब सीड्स से मैं पानी और खाना दोनों ही मैंने निकाल दिया है, और सुबह को खाली मैंने सीड्स दिया है, कोई भी पानी किसी भी केज में मैंने नहीं दिया है, क्योंकि बर्ड प्यासा है। जब भी मैं उनको मेडिसिन या पानी दूंगा, मेडिसिन मिला हुआ पानी दूंगा, बर्ड झट से वो पी लेगा। और फिर शाम को आप सब कुछ केज से निकाल दीजिए। इस बॉटल से हम सभी को उसके पीने का जो कटोरी है उसमें मेडिसिन दे देंगे। फ्रूटी की तरह दिख रहा है, तुम्हें पीना है क्या ये? अरे फूटी है। पिपलू भी अभी बहुत काम में हाथ बटाता है, शाम को ये बर्ड का सब बर्तन भी ये सब धो देता है। कल रात से लगभग सारे बर्ड पानी नहीं पिया है, इसलिए निकी को जैसे ही दे दिए निकी जाके पीने लगा है। और यहाँ पर जो 4 बर्ड है ये तो पानी को पीने से ज़्यादा उस पर नहाना पसंद करता है, तो अगर इस मेडिसिन से वो नहा भी ले तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बेबो तो गुस्से के मारे जो उसका सीड्स का कटोरी था उसको फेंक दिया है, और यहाँ पर ये कर रहा है बदमाशी। काफ़ी दफ़ा हमने देखा है कि बेबो टूटू भूटू जिस तरह से आवाज़ करता था सेम आवाज़ वो निकालता है, और निकी की आवाज़ भी वो निकलना शुरू कर दिया है।
निकी ऊपर से चिल्लाता है तो बेबो यहाँ से उसको रिप्लाई करता है। तो दोस्तों इसी तरह आपको दो दिन देना है। अगर आप चाहे तो आप लिवर टॉनिक भी आप यूज कर सकते हैं। डीवॉर्मिंग करने से 5 दिन पहले आपको देना पड़ेगा और डीवॉर्मिंग 2 दिन करवाया जाता है, उसके बाद आपको 3 दिन लिवर टॉनिक आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना सही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको और कुछ पूछना है तो जरूर कॉमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।